महावीर अष्टकम श्लोक नंबर फर्स्ट। अनेकांतः कांतः सकल सरितां संगम इव प्रवादे स्याद्वादः सकल वचसामोद्गम इव न सत्यं सत्यांसैर् वियुतमिह दृष्टं बुद्धजनैः महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। महावीर अष्टकम श्लोक नंबर फर्स्ट। अनेकांतः कांतः सकल सरितां संगम इव प्रवादे स्याद्वादः सकल वचसा मुद्गम इव न सत्यं सत्यांसैर् वियुत मिह दृष्टं बुधजनहि महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। अनेकांतः कांतः सकल सरितां संगम इव प्रवादे स्याद्वादः सकल वचसामोद्गम इव न सत्यं सत्यांसैर् वियुतमिह दृष्टं बुधजनैः महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। महावीर अष्टकम श्लोक नंबर फर्स्ट का भावार्थ। भगवान ने सत्य की उपलब्धि के लिए अभिलषणीय अनेकांत का दर्शन दिया, जो समस्त विचारों की सरिताओं के संगम स्थल की तरह है। अनेकांत की अभिव्यक्ति के लिए स्याद्वाद की शैली प्रस्तुत की, जो समस्त वचनों के उद्गम की भांति है। उस ज्ञानी पुरुष ने देखा जाना कि सत्य सत्यांशों से विकल नहीं होता। वह धीर महावीर प्रतिपल मेरे चित्त में स्फुरित होता रहे। महावीर अष्टकम श्लोक नंबर सेकेंड। न रागो नो द्वेषः प्रशमरस पीयूष ललितं शरीरं संवृत्तं गरलममृतं विस्मय कथा न दृष्टिर्नो दंसः प्रखर फणिनश्चापि सफल महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। महावीर अष्टकम श्लोक नंबर सेकेंड। न रागो नो द्वेषः प्रशम रस पीयूष ललितं शरीरं संवृत्तं गरल ममृतं विस्मय कथा न दृष्टिर् नो दंशः प्रखर फणिनश्चापि सफलः महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। न रागो नो द्वेषः प्रसमरस पीयूष ललितं शरीरं संवृत्तं गरलममृतं विस्मय कथा न दृष्टिर्नो दंसः प्रखर फणिनश्चापि सफल महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। महावीर अष्टकम सेकेंड श्लोक का भावार्थ। भगवान में न राग था न द्वेष, शरीर प्रशम रस रूपी अमृत से ललित था, इसलिए गरल भी अमृत में परिणत हो गया। यह विस्मयजनक कथा है। तीव्र विषधर चंड कौशिक ने जहर उगलती हुई दृष्टि से भगवान को देखा और काटा, फिर भी वह सफल नहीं हुआ, शरीर को हानि नहीं पहुंचा सका। वह धीर महावीर प्रतिपल मेरे चित्त में स्फुरित होते रहे। महावीर अष्टकम श्लोक नंबर थर्ड। इदं शास्त्रं भीतिं जनयति जनानां अधिमन
इदं सैन्यं दैन्यं जनयति समाजे प्रतिपदं विदेहे देहस्य स्थितिरभयमाप्नोति सहजं महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। महावीर अष्टकम श्लोक नंबर 3। इदं शस्त्रं भीतिं जनयति जनाना मधिमनः। इदं सैन्यं दैन्यं जनयति समाजे प्रतिपदं विदेहे देहस्य स्थिति रभय माप्नोति सहजं महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। इदं शस्त्रं भीतिं जनयति जनानाम् अधिमन। इदं सैन्यं दैन्यं जनयति समाजे प्रतिपदं विदेहे देहस्य स्थितिरभयमाप्नोति सहजं महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। महावीर अष्टकम तीसरे श्लोक का भावार्थ। नंदीवर्धन ने भगवान के सामने प्रस्ताव रखा, आपकी सुरक्षा के लिए मैं अपनी शस्त्रधारी सेना को आपके साथ रखना चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा, ये शस्त्र मनुष्यों के मन में भय उत्पन्न करते हैं। यह सेना समाज में पग पग पर दीनता पैदा करती है। विदेह में देह की स्थिति सहज ही अभय को प्राप्त हो जाती है। वह धीर महावीर प्रतिपल मेरे चित्त में स्फुरित होते रहे। महावीर अष्टकम श्लोक नंबर 4। सुरक्षां नो नीता किमु तृण कुटिम्भो मुनिवर निजं नीलं पक्षी तनु तनु रहो रक्षति तमाम तदा ध्यातं स्वात्मा प्रभवति कुटीरं न च परं महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। महावीर अष्टकम श्लोक नंबर 4। सुरक्षां नो नीता किमु तृणकुटिं भो मुनिवर निजं नीडं पक्षी तनु तनु रहो रक्षति तमाम तदा ध्यातं स्वात्मा प्रभवति कुटीरं न च परं महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। सुरक्षां नो नीता किमु तृणकुटिम्भो मुनिवर निजं नीलं पक्षी तनु तनु रहो रक्षति तमाम तदा ध्यातं स्वात्मा प्रभवति कुटीरं न च परं महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। महावीर अष्टकम श्लोक नंबर 4 का भावार्थ। अभिनिष्क्रमण के पश्चात भगवान महावीर कुलपति की आज्ञा से आश्रम के तृण कुटीर में रहे। निरंतर ध्यानावस्थित रहने के कारण उन्होंने कुटीर की ओर ध्यान नहीं दिया। कुटीर की घास गायें चर गई। तब कुलपति ने महावीर से कहा, मुनि प्रवर, आपने अपनी तृण कुटी की सुरक्षा क्यों नहीं की? आश्चर्य है कि छोटे से छोटा पक्षी भी अपने नीड की रक्षा करता है। तब भगवान ने सोचा, अपनी आत्मा ही अपना कुटीर हो सकता है, दूसरा नहीं। वह धीर महावीर प्रतिपल मेरे चित्त में स्फुरित होते रहें। महावीर अष्टकम श्लोक नंबर 5।
निमेषार्धोनूनं ज्ञपयति न चात्मा बहिरिह तथैवार्धोन्मेषो ज्ञपयति च तत्त्वं बहिरपि विचित्रामोद्रेयं वरनयनयोर्ध्याननिरता महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। महावीर अष्टकम श्लोक नंबर 5। निमेषार्धो नूनं ज्ञपयति न चात्मा बहिरिह तथैवार्धोन्मेषो ज्ञपयति च तत्त्वं बहिरपि विचित्रा मुद्रेयं वर नयनयोर् ध्यान निरता महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। निमेषार्धो नूनं ज्ञपयति न चात्मा बहिरिह तथैवार्धोन्मेषो ज्ञपयति च तत्त्वं बहिरपि विचित्रामोद्रेयं वरनयनयोर्ध्याननिरता महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। महावीर अष्टकम श्लोक नंबर 5 का भावार्थ। तुम्हारे अर्ध निमिलित नयन ज्ञापित कर रहे हैं कि आत्मा इस शरीर से बाहर नहीं है। उसी प्रकार तुम्हारे अर्ध उन्मिलित नयन ज्ञापित कर रहे हैं कि तत्व बाहर भी है। ध्यान में लीन तुम्हारे प्रवर नयनों की यह मुद्रा विचित्र है। वह धीर महावीर प्रतिपल मेरे चित्त में स्फुरित होता रहे। महावीर अष्टकम श्लोक नंबर 6। अगम्यः सश्वासः परिमलमुपेतोऽब्जसुलभम् अगम्या सा वाणी प्रसरति सुदूरं सहजत अगम्यो गम्यस्त्वं कथमिति न जाने यतिपते महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। महावीर अष्टकम श्लोक नंबर 6 का भावार्थ। अगम्य है वह श्वास जो अब्ज सुलभ परिमल से युक्त हो। अगम्य है वह वाणी जो बिना किसी माध्यम के सहज सुदूर फैल जाती हो। हे यतिपते, तुम अगम्य हो, मैं नहीं जानता, फिर तुम गम्य कैसे हो गए। वह धीर महावीर प्रतिपल मेरे चित्त में स्फुरित होते रहे। महावीर अष्टकम श्लोक नंबर 7। न कालस्यैकान्तो न खलु नियतेर्मोक्ष पदवी स्वकीयं कर्तृत्वं प्रबल पुरुषार्थेन फलितं व्रतानां संदेशः श्रुतिमधिगतो मञ्चमभवत् महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। महावीर अष्टकम श्लोक नंबर 7। न कालस्यै कांतो न खलु नियतेर मुख्य पदवी स्वकीयं कर्तृत्वं प्रबल पुरुषार्थेन फलितं व्रतानां संदेशः श्रुतिमधिगतो मंत्रमभवत् महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। न कालस्यैकान्तो न खलु नियतेर्मोक्ष पदवी स्वकीयं कर्तृत्वं
प्रबल पुरुषार्थेन फलितं व्रतानां संदेशः श्रुतिमधिगतो मन्त्रमभवत् महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। महावीर अष्टकम श्लोक नंबर 7 का भावार्थ। कालवादी दार्शनिक एकांततः काल को और नियतिवादी दार्शनिक एकांततः नियति को ही प्रधान मानते थे। तुम्हारे सिद्धांत में न एकांततः काल को मुख्य स्थान प्राप्त है और न ही एकांततः नियति को। स्वयं का कर्तृत्व प्रबल पुरुषार्थ से फलता है। तुम्हारा व्रतों का संदेश कानों का विषय होकर मंत्र बन गया। वह धीर महावीर प्रतिपल मेरे चित्त में स्फुरित होते रहे। महावीर अष्टकम श्लोक नंबर 8। अनंतानंदेन क्वचिदपि न कष्टानुभवनम् अनंतं तज्ज्ञानम् विदितमभितो विश्वमखिलम् अनंताशा शक्तिः क्वचिदपि न किञ्चित् प्रतिहता महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। महावीर अष्टकम श्लोक नंबर 8। अनंता नंदेन क्वचिदपि न कष्टानुभवनम् अनंतं तज्ज्ञानम् विदितमभितो विश्वमखिलम् अनंता सा शक्तिः क्वचिदपि न किंचित् प्रतिहता महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। अनंतानंदेन क्वचिदपि न कष्टानुभवनम् अनंतं तज्ज्ञानम् विदितमभितो विश्वमखिलम् अनंता सा शक्तिः क्वचिदपि न किञ्चित् प्रतिहता महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। महावीर अष्टकम श्लोक नंबर 8 का भावार्थ। अनंत था वह आनंद जिससे कहीं भी तुम्हें कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। अनंत था वह ज्ञान जिससे तुमने चारों दृष्टियों द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से सकल विश्व को जाना। अनंत थी वह शक्ति जो कहीं किंचित भी प्रतिहत नहीं हुई। वह धीर महावीर मेरे चित्त में प्रतिपल स्फुरित होते रहे। महावीर अष्टकम। अनेकांतः कांतः सकल सरितां संगम इव प्रवादे स्याद्वादः सकल वचसा मोद्गम इव न सत्यं सत्यांशै वियुतमिह दृष्टं बुधजनै महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। न रागो नो द्वेषः प्रसमरस पीयूष ललितं शरीरं संवृत्तं गरलममृतं विस्मयकथा न दृष्टिर्नो दंशः प्रखरफणिनश्चापि सफल महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। इदं शस्त्रं भीतिं जनयति जनानामधिमन इदं सैन्यं दैन्यं जनयति समाजे प्रतिपदं। विदेहे देहस्य
स्थितिरभयमाप्नोति सहजं महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलं सुरक्षां नो नीता किमु तृणकुटिम्भो मुनिवर निजं नीलं पक्षी तनु तनु रहो रक्षति तमाम तदा ध्यातं स्वात्मा प्रभवति कुटीरं न च परं महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलं निमेषार्धो नूनं ज्ञापयति न चात्मा बहिरिह तथैवार्धोन्मेषो ज्ञापयति च तत्त्वं बहिरपि विचित्रामुद्रेयं वरनयनयोर्ध्याननिरता महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम् अगम्यः सश्वासः परिमलमुपेतोऽब्जसुलभम् अगम्या सा वाणी प्रसरति सुदूरं सहजत अगम्यो गम्यस्त्वं कथमिति न जाने यतिपते महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलं न कालस्यैकान्तो न खलु नियतेर्मोक्षपदवी स्वकीयं कर्तृत्वं प्रबलपुरुषार्थेन फलितं व्रतानां सन्देशः श्रुतिमधिगतो मन्त्रमभवत् महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम् अनन्तानन्देन क्वचिदपि न कष्टानुभवनम् अनन्तं तज्ज्ञानं विदितमभितो विश्वमखिलम् अनन्ता सा शक्तिः क्वचिदपि न किञ्चित् प्रतिहता महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्।